नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर या बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं एग्रीकल्चर की, उसमें BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है गाइज, वो है जो नेक्स्ट पेपर 10 तारीख को है, वो है रूरल सोशोलॉजी का, मतलब एक्सटेंशन का पेपर है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक्सटेंशन के टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिक्सिंग सीरीज यहाँ पे हमने इंक्लूडेड किया है सीरीज में क्वेश्चंस को। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखिए हम आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं यार, एकमात्र चैनल है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है यार चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, कर लो, ठीक है ना। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, है ना। तो जितने भी मोबाइल हैं आपके घर में, सभी से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपसे नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अब देखो, हम जितनी भी आपको क्लासेस देते हैं, उन क्लासेस से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बशर्ते बस ये है कि क्वेश्चन के अतिरिक्त में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, जो अतिरिक्त क्वेश्चन भी बता देते हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लिया करो, तो क्या कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। सो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टी और बी, मतलब ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम। टी का पूरा नाम ट्रेनिंग है और बी का है विजिट। ट्रेनिंग और विजिट यानी ट्रेनिंग एंड विजिट जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, इसकी अवधारणा जो है वो किसने दी थी? डैनियल बैनर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दोनों ने, या फिर कोई ने, या फिर कोई नहीं? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। सो गाइस, जो श्री निकेतन योजना है, कौन सी योजना? श्री निकेतन जो योजना है, जो श्री निकेतन योजना है, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई दी थी, है ना। श्री निकेतन जो योजना है वो किसने लॉन्च की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन हमसे यार पूछा टी और बी, मीन्स ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम, यह जो योजना लॉन्च की थी, अवधारणा दी थी, वो दी थी डैनियल बेनर ने। सो गाइज, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, शानदार आप सभी लोग हैं। FAO की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों, FAO पूरा नाम इसका होता फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका पूरा नाम है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइज? 1948 में हुई थी, 1951 में हुई थी, या फिर 1950 में हुई थी, या फिर 1982 में? क्या करेक्ट उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का, जल्दी से आप लोग बता सकते हो? सो गाइज, करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, बताइएगा, अभी भी टाइम है आपके पास में, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 16 अक्टूबर 1948 को क्या कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, मिश्र खाद एवं कृषि संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1948 को। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब 1982 में क्या हुआ था? 1982 में जो है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? नाबार्ड की, जो कि कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम बैंक है। इसका पूरा नाम होता नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय की बात करेंगे मुंबई में, और नाबार्ड की जो स्थापना है वो गाइज किसकी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इस प्रश्न से हमें इतने क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। एक बार फटाफट देख लो, FAO की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1948 को। तभी से जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। तो FAO की स्थापना हुई थी 1948 में, मतलब 16 अक्टूबर 1948 को, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय गाइज वो कहाँ पर? रोम इटली में। कहाँ पे है? रोम इटली में, और इटली की मुद्रा होती है लीरा, और इटली टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना।
पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1951 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया था। एग्रीकल्चर पर बल किस योजना में दिया गया था? आंसर है कृषि पर। 1982 में क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग सी डी पी के नाम से भी जान सकते हैं, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी डी पी। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइज? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है ना। अच्छा, बात करें हमसे कि लैब टू लैंड, क्या बच्चों? लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से खेत तक। या फिर 1979 में एक योजना थी जिसका नाम था ट्राइसेम, मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो व्यक्ति 18 से 35 वर्ष की आयु को पूरा कर रहे हैं वो आदमी जो है ट्राइसेम योजना के लिए एलिजिबल है, मतलब स्वयं रोजगार योजना है ये। ICR के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई, दोनों योजनाएँ किसके द्वारा लॉन्च की गई? ICR के द्वारा। ICR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को गाइज ICR की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से खेत तक जो कार्यक्रम है ये 1979 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1979 में स्टार्ट हुआ था प्रयोगशाला से, मतलब LLV लैब टू लैंड प्रोग्राम, LLP लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में हुआ था। लेकिन हमसे पूछा है सामुदायिक विकास योजना, यह 1952 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो NSC, क्या समझे? नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी गाइज 1963 में। मुख्यालय की बात करें ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर 12 जुलाई 1982 की बात करें तो इसमें किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। अगर बात करें कि कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम बैंक कौन सी बैंक ऐसी है जो कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम है, मतलब किसान को क्रेडिट या फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी? नाबार्ड है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय की बात करेंगे गाइस इसका है मुंबई में। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? समिति का नाम है शिवरमन समिति। सो गाइज, इतने प्रश्न इस वीडियो इस क्वेश्चन से कवर होते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत या पाकिस्तान में? सो गाइज, एक्सटेंशन जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? सो गाइज, इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि जो एक्सटेंशन यानी जो प्रसार शब्द है, जो एक्सटेंशन यानी प्रसार शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? सो गाइज, यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संचार। क्या जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो संचार है, यह किस भाषा का शब्द है? तो कम्युनिकेशन गाइज लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस। सो गाइज, पेरिस में तो मुख्यालय यूनेस्को का स्थित है। किसका स्थित है? यूनेस्को का, UNESCO। सो गाइज, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस में है। वाशिंगटन में IMF और गाइज वर्ल्ड बैंक, क्या बात की मैंने? जो वाशिंगटन है इसका जो मुख्यालय है वो IMF और वर्ल्ड बैंक, मतलब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन में है। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है
लेकिन हमसे तो उसने पूछ दिया है न्यूयॉर्क का यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या भाई? यूएनओ, यूएनओ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो हडसन नदी किनारे बसा है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो 24 अक्टूबर, और शायद 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। सो गाइज, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। छठा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हो आप। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? जो इटावा अग्रगामी जो योजना है, पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुई? 1948 में। और यह योजना स्टार्ट कहाँ पर हुई? तो महेबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये इटावा में, वहाँ पर योजना स्टार्ट हुई थी, महेबा डिस्ट्रिक्ट इटावा में। और स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अल्बर्ट मेयर। कौन थे भाई? अल्बर्ट मेयर थे, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज किसने लागू किया? माफ कीजिएगा, कब लागू हुआ? जो पंचायती राज है गाइज, वह कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और यह व्यवस्था जो है नागौर राजस्थान से, कहाँ से लागू हुई भाई? कहाँ से लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? बिल्कुल, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक करेंगे और नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम की। तो आप सभी का काम है कि आप हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर किया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो। सो गाइज, पंचायती राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर लागू हुआ सबसे पहले? तो नागौर राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे लागू हुआ सबसे पहले? तो नागौर राजस्थान में लागू हुआ। अब जो पंचायती राज व्यवस्था थी, ये कैसी थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तीन स्तरीय व्यवस्था थी। कैसी थी? त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो बलवंत राय, बलवंत राय मेहता समिति। सो गाइज, जो पंचायती राज व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। त्रिस्तरीय थी, मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल की योजना थी ये, जबकि अशोक राय मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय थी। अच्छा, पंचायती राज संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था। लेकिन जो पंचायती राज है ये कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। तभी से प्रत्येक वर्ष को 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसके सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कर लेना। सो गाइज, प्रसार किस भाषा का शब्द है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज की क्लास का गाइज अंतिम क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो वीडियो कर देना लाइक, नए चैनल को करना सब्सक्राइब। और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भाई कौन है? फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जे पॉल लीगन्स, ये क्वेश्चन थे। इसके बाद जो पंचायती राज क्वेश्चन था, इसमें एक पॉइंट और बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू तो हुई है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना। इसमें कुल विषय कितने थे? इसमें कुल सब्जेक्ट यानी विषय कितने थे? 29। इसमें कितने थे? 29। कुल विषय कितने थे? 29। अगर गाइस इन्हीं 2 प्लस 9 को जोड़ दो तो 11 हो जाता है। मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में इसके बाद कही गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया? तो 11वीं अनुसूची में। सो गाइज, ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, नहीं बल्कि टॉप 50 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हमने बताए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, नए फ्रेंड करना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।